हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल इज, इंटीग्रेशन में दी है साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस एक्स की फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स है, किसके इक्वल है, साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अगर मैं x की जगह पे माइनस एक्स पुट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा साइन -2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस माइनस एक्स। ठीक है, हमें पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन 2x नीचे 1 प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा ही आ जाता है, माइनस अंदर ही अंदर कैंसिल हो जाता है। तो बेसिकली ये आ गया मेरा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इट मीन्स क्या है, मेरा एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन। ठीक है, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो इसकी लिमिट मान लो माइनस ए टू ए होती है, जीरो पे। ठीक है, तो मेरा एफ एक्स ऑड फंक्शन है, लिमिट -π/2 से +π/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 0, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इज, एक्स लॉग एक्स डी एक्स 0 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 0 से 1 पहले लॉग एक्स रखता हूँ इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये यू हो गया, ये वी हो गया बेसिकली। तो सबसे पहले मैंने लॉग को बाहर रखा, एक्स का इंटीग्रेशन किया माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन, एक्स का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, और लिमिट हम पुट कर देंगे लास्ट में, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 डी एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट गया और ये बच गया हमारा x²/2 log x। फिर दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे x का, तो x²/2 आएगा, एक टू नीचे ऑलरेडी था तो 4 आ गया, लिमिट आ गई 0 से 1। ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले 1 में यहाँ पुट करूंगा तो log 1 0 आ जाएगा, माइनस x²/4 में 1 पुट करूंगा तो 1/4 माइनस 0 में यहाँ पुट करूंगा तो x की वजह से ये 0 हो जाएगा पूरा और ये भी 0 हो जाएगा, बेसिकली 0। तो आंसर आ जाएगा -1/4, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉलिड रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट इज बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन x+y+z=2। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन तो हो गया yz, xz और xy प्लेन, और एक प्लेन ये वाला होगा। ठीक है, x+y+z=0। ऐसे प्लेन को बनाने का तरीका क्या है कि जब xy 0 है, इट मीन z एक्सिस, तो z की वैल्यू 2 आ गई, तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह x एक्सिस पे 2 0 0, y एक्सिस पे 0 2 0, तो इन दोनों को, इन तीनों को मिला दिया, तो जो अंदर जो सॉलिड बसता है उस चीज की बात की गई है। ठीक है, तो वो एक सॉलिड है। अब उसकी डेंसिटी क्या है, रो 2x। ठीक है, डेंसिटी अगर देखा जाए कॉन्स्टेंट नहीं है, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते और डेंसिटी हमारे पास थी, हमें कैलकुलेट करना मास। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, डेंसिटी वेरिएबल है, हर जगह अलग अलग है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करो स्मॉल मास डीएम, क्या अगर रो डीवी है ना स्मॉल वॉल्यूम, तो मुझे अगर मास फाइंड करना है तो मुझे वॉल्यूम इंटीग्रल करना पड़ेगा किसका, डेंसिटी का। ठीक है, अब रो की वैल्यू है 2x, वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम dy dz dy dx। ठीक है, तो इस सॉलिड में जो z वेरी कैसे कर रहा है, देखो जो बिल्कुल यहाँ पे देखिए z की वैल्यू 0 है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो लोअर लिमिट z की होगी 0। अपर लिमिट देखो, अपर लिमिट जो है ये प्लेन है। ठीक है, अपर लिमिट है प्लेन है, z की अपर लिमिट वेरिएबल है, x और y पे डिपेंड कर रही है, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगी। तो वहां से आ जाएगी x+y+z=2 है, तो z की वैल्यू आ गई 2 - x - y। ठीक है, यही अपर लिमिट होगी बेसिकली, ये छत हो गया। फिर हमें देखना है कि x y की, तो बेसिकली अब z का पार्ट खत्म हो गया, एक्स वाई की देखें, एक्स वाई की मिला के एक्सट्रीम लिमिट इस ट्रेंगल में आ रही है। ठीक है, एक्सट्रीम अगर देखा जाए, चलो ये तो हर जगह सेम ही है, एक्सट्रीम ये आ रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या है,
जहाँ पे जेड जीरो है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है। अगर बेसिकली मैं ऊपर से प्रोजेक्शन देखूँ इस सॉलिड की, तो मुझे बस ये ट्रायंगल ही दिखेगी। तो वाई की जो लिमिट आ गई, वाई की लिमिट क्या आएगी, जीरो से लेके इस लाइन तक, यानी कि वाई की लिमिट आ जाएगी टू माइनस एक्स तक, जीरो से लेके टू माइनस एक्स। और सिमिलरली फिर एक्स की लिमिट तो फिर जीरो से टू है ही, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो से टू, और टू एक्स डी जेड का जेड आ गया, जीरो से लेके टू माइनस एक्स माइनस वाई, जीरो से टू माइनस एक्स, जीरो से टू, ठीक है। तो बेसिकली आ जाएगा जीरो से टू माइनस एक्स, जीरो से टू, टू एक्स टू माइनस एक्स माइनस वाई, और साथ में डी वाई डी एक्स, ठीक है। डी वाई डी एक्स जीरो से टू माइनस एक्स, जीरो से टू, फोर एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब हमें करना है वाई के साथ, जीरो से टू वाई के साथ करूंगा तो फोर एक्स वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, यानी टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर लिमिट जो आ गई जीरो टू टू माइनस एक्स, ठीक है। तो और साथ में फिर डी एक्स, लिमिट जीरो से टू है एक्स की, फोर एक्स वाई यानी कि फोर एक्स टू माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर टू माइनस एक्स माइनस एक्स टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और आ गया डी एक्स, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। इसको ओपन करेंगे, जीरो से टू एट एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब ये आएगा फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स डी एक्स, जीरो से टू ये आ जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस फोर एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बेसिकली जीरो से टू, टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और एट एक्स माइनस फोर एक्स फोर एक्स, इसका करना हमें डी एक्स। तो एक्स की पावर फोर बाय फोर माइनस फोर एक्स क्यूब बाय क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर बाय टू, यानी कि टू एक्स स्क्वायर, जीरो से टू। तो टू टू रेस्ट पावर फोर सिक्सटीन डिवाइड बाय फोर फोर माइनस फोर टू की पावर फोर टू की पावर थ्री, एट इंटू फोर 32 बाय थ्री, प्लस दो दुनी चार दुनी आठ, तो आठ चार बारह माइनस 32/3 बारतीय 36 माइनस 32/3 आंसर आएगा 4/3, ठीक है। तो ये आ गया मास, 4/3 था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स इज, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हमें ग्राफ बनाना चाहिए, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू एक्स। तो हमें इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। एक तो हमें चलो पता ही इस ग्राफ से दिख ही रहा है, वैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों इक्वल होने चाहिए, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक तो हम पता चलेगा कि यहाँ से एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ फिर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन निकालिए, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इट मीन एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे भी वाई वन है और एक्स इज इक्वल टू वन पे वाई वन है, बेसिकली जीरो कॉमा जीरो ये इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया और वन कॉमा वन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, अब या तो हम पहले वाई में चले जाएं, अगर मैं इस एरिया में एंट्री इस तरीके से करता हूँ पहले, तो जो मेरी एंट्री हमेशा पैराबोला से हो रही है, एग्जिट हमेशा मेरा लाइन से हो रहा है,
तो एरिया फाइंड करने में dy dx करूंगा, तो एंट्री मेरी पैराबोला से हो रही है, यानी कि लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर होगी, अपर लिमिट एक्स होगी। एक्स की एक्सट्रीम लिमिट 0 से लेके 1 तक है, ठीक है? तो 0 से 1 वाई एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है? और 0 से 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो बेसिकली ये वो भी बन गया ना कि एरिया अंडर द कर्व, अगर मैं अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 0 से 1, तो एरिया अंडर द लाइन कर रहा हूँ, ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ पूरा बेसिकली, ये वाला, ठीक है? और एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये वाला निकाल रहा हूँ। तो बेसिकली वही चीज माइनस हो रही है कि बड़े एरिया में से ये वाला एरिया माइनस हो रहा है, तो मेरा ये वाला ही बचा है ना, इनडायरेक्टली यही कर रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री, 0 से 1, 1 पुट करूंगा तो 1/2 माइनस 1/3, तो 3 - 2 1/6, ऑप्शन डी, ठीक है? तो सीधा सवाल है, और काफी एरिया वाले ऐसे क्वेश्चन पैराबोला की इक्वेशंस आनी चाहिए, ठीक है? तो बहुत जरूरी है, ये तो बहुत सिंपल वाले हैं, बाकी भी y - b इज इक्वल टू x - a का होल स्क्वायर, ऐसी इक्वेशंस भी आनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस्ड इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर साइन फाई डी आर डी फाई डी थीटा, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। अब देखो इसमें जो भी लिमिट है ना, जैसे मान लो ये आर की है ना, पहले की डी आर है, फिर डी फाई है, फिर डी थीटा, सारी कॉन्स्टेंट है, अलग अलग है, कहीं भी आर आर की लिमिट फाई की फॉर्म में नहीं है, फाई की डी थीटा की फॉर्म में नहीं है, तो हम बेसिकली इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर स्क्वायर डी आर ये 0 से 1 है, ठीक है? मल्टीप्लाई विद 0 से π/3 साइन फाई डी फाई, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है? 0 से 2π डी थीटा, ठीक है? जब तक लिमिट जो है कांस्टेंट है, आर की लिमिट थीटा की फॉर्म में या फाई की फॉर्म में नहीं है, तो ये आ जाएगा आर क्यूब बाय 3 0 to 1, ये आ जाएगा -cos φ 0 से π/3, और ये आ जाएगा थीटा 0 से 2π, ठीक है? ये आ जाएगा 1/3 इंटू -cos φ, तो पहले -cos π/3, π/3 हो गया 60, माइनस -cos 0, ठीक है? तो माइनस में से कॉमन निकालोगे बेटर रहेगा, इंटू ये आ जाएगा 2π, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2π/3, यहाँ पे आ जाएगा cos π/3 यानी cos 60 1/2, और प्लस 1 हो जाएगा, तो 2π/3 इंटू 1/2, ठीक है? 2 2 कैंसिल हो गया, तो π/3 ऑप्शन ए, ठीक है? तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।